हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज मैं आपको कुछ ऐसे डिटेल्स और टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी एक नॉर्मल इमेज को एक रियलिस्टिक में ला सकते हो। और कोई भी इमेज को एक नॉर्मल रियलिस्टिक इमेज बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसका जो डायरेक्शन है वो सही होना चाहिए, और सही डायरेक्शन के लिए सही पाथ ज़रूरी है। कोई भी डेस्टिनी पाने के लिए आपको एक पाथ जो है वो करेक्ट चूज़ करना होता है। और कोई भी ड्राइंग को अगर रियलिस्टिक है कम्प्लीटली मैच होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास क्यूरीज आते हैं कि हमारा जो रेफरेंस है उससे हमारी ड्राइंग मैच नहीं होती है, हमें क्या क्या कमी रह गई है। तो उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन ला के मैं ये जो ट्यूटोरियल है वो लाया हूँ मैं, जिसमें कि आप कोई भी एक रेफरेंस लेके आप रियलिस्टिक जा सकते हैं और एक कंप्लीट मैच कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं वो सब शेयर करूँगा मैं आपके साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन सही होना चाहिए, तो आउटलाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। तो शेडिंग आप बहुत अच्छी कर लो, बहुत अच्छी आप उसमें आप ब्लेंडिंग कर लो, लेकिन जब तक आउटलाइन सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तब तक आपका जो इमेज है वो चीज़ें अच्छी तो लगेंगी लेकिन आपको कंप्लीट मैच नहीं होगा। तो मैच करने के लिए आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ आपको कि आप कंप्लीटली आप एक इमेज को आप मैच कर सकते हैं, अपने कैनवास पे डाल सकते हैं, अपने जो ड्राइंग बुक है ड्राइंग शीट पे आप कंप्लीटली बना सकते हैं। तो उसके लिए जो मटेरियल मैं यूज़ किया है, तो सबसे पहले तो ये स्टेडलर का मैकेनिकल पेंसिल है, आप कोई भी ऐसे मैकेनिकल पेंसिल ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ड्राइंग बुक है वो मैंने 250 GSM का लिया है, ये और ये हमारा रेफरेंस। तो जितने भी मटेरियल हैं आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं वहाँ से जाके। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये हमारा रेफरेंस है एक पोर्ट्रेट का, तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, जैसे कि जनरली अभी पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैं बता रहा हूँ जैसे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आई से, और आई जैसे आप देख रहे हो कि आई को ड्रॉ किया, और उसके बीच में डिस्टेंस जो है आईब्रो और आई के बीच में वो प्रॉपर नहीं रहता, वो भी अंदाज पे ही होता है। और हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं सेकेंड आई भी और आईब्रोज के साथ साथ, तो उसमें जो डिस्टेंस होता है प्रॉपर नहीं होता है दोनों आई के बीच में, और नोज़ और लिप्स के बीच में भी अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो तो वो भी प्रॉपर नहीं है, और आउटलाइन जो है वो भी आप कहीं से भी मेजरेबल नहीं होता है। तो चीज़ें जैसे आप ये अब देख रहे हो कि दोनों आँख का बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बताया, तो इसमें कहीं से भी प्रॉपर नहीं होता है। हाँ, प्रॉपर बन जाता है इसमें जिसका जिसका जितना एक्सपीरियंस हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप कितना मेजरमेंट है, कितना अलाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देनी होती हैं। तो ये जो चीज़ें जो रह जाती हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा फेस जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले तो ये थोड़ा स्लांट है जैसे आप फेस देख रहे हो, तो कंप्लीट आप स्ट्रेट जो है वो नहीं दिख रहा है। तो और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो सर्कल ड्रॉ करके ही हमें चीज़ें पता चलती है कि कितना साइज़ है फेस का। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो कि फेस का एग्जैक्ट साइज़ कितना है, तो वो सर्कल पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम मेज़र करने के लिए एक डिवाइस लेंगे जिसका नाम है डिवाइडर, और ये डिवाइडर से आप देख रहे हो कि दोनों का जो विड्थ है हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कितना विड्थ है कंप्लीट फेस का। तो अभी मैं सेंटर से इसको सर्कल बना लूँगा मैं, आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आपको एग्जैक्ट फेस चाहिए, एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पे मैं इससे ही यूज़ कर लूँ क्योंकि हमारे पास है ये। आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डिवाइडर ना हो तो। और यहाँ से मैं अभी आप देख रहे हो कि एक लाइन ले रहा हूँ मैं सेंटर में, सेंटर लाइन लिया मैंने सर्कल का, और ऊपर का भी एक हेयर लाइन ले लिया, नोज़ लाइन और चिन लाइन जो है वो प्रॉपर डिस्टेंस में एक एक ब्लॉक है, वो चीज़ें हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें बनाने के बाद फिर आपको कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो जो एकदम एज है फेस का वहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा रेफरेंस इमेज से। तो देख रहे हो कैसे कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और दोनों बीच का डिस्टेंस भी पता चल गया, और दोनों आई का बीच का जो डिस्टेंस है वो भी प्रॉपर मुझे यहाँ से पता चल गया है यहाँ पे, जैसे भी आप देख रहे हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर मुझे डिस्टेंस भी पता चल गया जैसे आईज के बीच में दिख रहे हो, और दोनों का जो एजेस हैं वो भी हमें प्रॉपर पता चल गया है डिस्टेंस। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आप आई का आप जो प्रॉपर प्लेस है वो आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे हम तीन ब्लॉक में डिसाइड करते हैं, तो एक जो पहला जो ब्लॉक होता है वो उसको हम आई कंसिडर करते हैं, तो सबसे ऊपर वाला जहाँ पे हम लोगों ने सेंटर में सर्कल का लाइन है वो आईब्रो का लाइन है, तो आईब्रो हम बना लेंगे। और यहाँ पे भी जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं तो वो भी टेम्प्रेरी ही समझिए, क्योंकि हमें इरेज करना है अल्टीमेटली इसको, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन्स हैं, जब भी हम शेडिंग करेंगे तो इसको हम इरेज करेंगे।
और यहाँ पे जो आई लाइन बनाया है तो वो बिल्कुल हम लोगों ने लाइन जो रखा है स्ट्रेट बनाया है, एवरेज जो हम बनाते हैं एवरेज फेस तो हम स्ट्रेट ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हर एक फेस का अपना एक आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पे जो आप फेस देख रहे हो तो इसमें जो आई है वो थोड़ा ऊपर की तरफ गया हुआ, कर्व में गया हुआ है, तो कि यहाँ पे हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया यहाँ पे। और आई भी जो है, आई बॉल हम जनरली या तो ओवल बना लेते हैं या फिर फ्लैट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट एक सर्कल होता है और आई लिप में जितना हमें दिखता है वो चीज़ें वही ड्रॉ करना होता है। तो जब भी आप आई बॉल ड्रॉ करें तो उसको हमेशा सर्कल बना के जितना दिखता है उतना हम इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे भी देख रहे हो कि लेफ्ट आई में भी वही हम कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है, स्लांट में ऊपर की तरफ गया हुआ है, उसके जो दोनों एजेस हैं पैरेलली एकदम सी स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे भी हम अगर जहाँ जहाँ पे गलत करते हैं वो चीज़ें मैं करेक्ट कर रहा हूँ, जैसे आईब्रोज का देखा आप लोगों ने, फिर हम लोगों ने आई का जो ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो इसके कारण हमारा जो इमेज है वो मैच नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रेफरेंस से हमारा मैच नहीं हो रहा, और ये सारी चीज़ें जो हम ग्राफ के थ्रू नहीं कर रहे, ग्राफ कराने में आपको आप रेफरेंस पे भी आप ग्राफ बनाओ, फिर आप जिस बुक पे बनाने वाले या शीट पे बनाने वाले उस पर भी आप बनाने बनाते हैं उसको ग्राफ, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक मेजरमेंट है वहाँ पे हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं और उसको रेफरेंस लेके उतना हम कर ले, जैसे अभी अगर आप नोज़ बनाने जाते तो लाइन पे ही हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेट किया तो लाइन के ऊपर ही हमें मिल रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ तो आपको पता है पहले से ही कि जो दोनों आईज़ के बीच का जो नीचे एकदम स्ट्रेट लेंगे नीचे, तो वहाँ पे ही एज स्ट्रेट फिनिश होता है उसका विड्थ नोज़ का, और यहाँ पे जो परफेक्ट हम अब स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, और दोनों आईज़ के जो बीच का जो गैप है उतना ही नोज़ का ही होता है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा निकले होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक फेस का अपना एक सिमेट्री होता है, अपना एक मैनेजमेंट होता है, तो उसको हम चीज़ों को आप देख सकते हो। यहाँ पे नोज़ भी है, तो नोज़ को हम लोगों ने किससे लिया, वो जो होल है ब्लैक, तो वहाँ से चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और उसके आगे जो देख रहे हो वो थोड़े से वो निकले होते हैं, और साइड का जो अलाइनमेंट है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हम इसको मैच कर लेंगे यहाँ पे, और देखोगे कि ऑलमोस्ट हमारा जो नोज़ है वो भी मैच हो चुका है, और इसमें शेडिंग पार्ट में जब जितने भी आप गहराई है जितना भी डेप्थ है वो सारी चीज़ें हम शेडिंग में लेके आ सकते हैं। और लिप्स का भी जैसे भी आप देख रहे हो तो इसको भी हम रेफरेंस से कैलकुलेट किया, हम लोगों ने जो सेंटर लाइन है लिप्स का वो कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया, और वो कैलकुलेट करने के बाद जो आई आई बॉल है दोनों आई बॉल के जस्ट नीचे वो फिनिश होता है उसका विड्थ लिप्स का, और ये सारी चीज़ें भी टेम्प्ररी हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक फेस का अपना एक आइडेंटिटी होती है, अपना एक खुद का मेजरमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में चेक करेंगे। और यहाँ पे जैसे अपर लिप्स और लोअर लिप्स हैं उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है यहाँ पे, और तीनों का जो आप देख रहे हो कि एक लाइन में होते हैं वो चीज़ें जैसे भी आप देख रहे हो। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका जो लिप्स है कभी साइड में होता है, कभी राइट या कभी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोगों ने जैसे दिया है आपको यहाँ पे जैसे देख रहे हो, तो इसको हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका जो लिप्स है ये देख रहे हो थोड़ा छोटा और करेंगे हम लोग, क्योंकि इसके जैसे हम लोगों ने मेजरमेंट लिया तो उसके हिसाब से ऐसे कुछ आ रहे हैं। और सबसे पहले ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद अपर लिप्स और लोअर लिप्स, और ये जो चीज़ें आप देख रहे हो जो हम चीज़ें बना रहे हैं शेडिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन हमें एक परफेक्ट आउटलाइन की ज़रूरत होती है कि जिससे कि हम शेडिंग भी करें तो एक सही डायरेक्शन में जाए, नहीं तो आप गलत आउटलाइन करके डायरेक्शन आप शेडिंग का सही है फिर भी वो चीज़ें मैच नहीं होती हैं। तो इसलिए कभी भी आप सबसे पहले जब कंफर्म हो जाए कि आउटलाइन हमारा कंफर्म है तभी शेडिंग कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप एक्सपेंड करने वाले हैं शेडिंग पे, और हम जितना भी रियलिस्टिक चीज़ें आती हैं वो लाइट डायरेक्शन या फिर शेडो चीज़ें देते हैं, वो सारी चीज़ें शेडो के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। और यहाँ पर हमारा जो हेयर लाइन है वो परफेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे हम चिन का देने वाले हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो अगर हम लोगों ने पहले से ही जो एक एवरेज फेस का लिया हुआ है, अगर हम वैसे जाते थे तो फेस जो है हमारा लंबा हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है तो अभी आप देख रहे हो तो वो चीज़ें परफेक्ट आ रही हैं। और इसके बाद जो जॉ है, जॉ की लाइन जो विड्थ है वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, और हमेशा ही दोनों दोनों साइड जो है वो बराबर नहीं रहेंगे, वो भी फेस के थोड़े थोड़े मूवमेंट से, जैसे आप एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं, हल्का सा वो कर्व है फेस, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें खुद से कैलकुलेट करनी होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें जो है वो आउटलाइन पे ही डिपेंड करती हैं। हमारा फेस का जो है हम ड्रॉ करने वाले हैं, जो भी हम फाइनल शेडिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बीच बीच में जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे फेस को
तो हम उसको और इम्प्रूव करते जाएंगे, जैसे हेयर लाइन है, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो ये चीज़ें और भी फैलेंगी चीज़ें, क्योंकि हेयर का जो विड्थ होता है वो बहुत कम होता है, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं क्योंकि लाइंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो चीज़ें जब हम करेंगे तो उसको प्रॉपरली उसको सेट करेंगे। और यहाँ पे नो ईयर्स जो है, ईयर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हेयर का जो लाइन है वो सब भी हम लोग उसको सेट कर लेंगे, और जितने भी हम लोगों ने लाइंस बनाए हैं वो सब भी हम इरेज करेंगे उसके पहले। जैसे आप देख रहे हो कि जितने भी उसके जो लाइंस हैं हेयर के, आईज़ के, वो भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, और जितने अनवांटेड जितने भी हम लोगों ने रेफरेंस ले लिए हैं लाइन के, तो सारे लाइंस जो हैं हमें इरेज कर देना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी लाइन परफेक्ट है, क्योंकि हम जब स्केच करते हैं तो एक परफेक्ट आउटलाइन नहीं होता है, क्योंकि हम थोड़े मल्टीपल लाइंस भी हम ड्रॉ करते हैं वाइल जब हम आउटलाइन करते हैं तो यहाँ पे। और उसके बाद हमें एक प्रॉपर आउटलाइन करना होता है, जो कि हम जैसे हम डेवलप कर रहे हैं इसको, तो आगे भी हम उसको हम परफेक्ट एक आउटलाइन भी करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें इम्प्रूवमेंट की चीज़ें होती हैं, तो अभी भी हम एक जब भी हम फाइनल करेंगे उसके पहले हम कैलकुलेट ज़रूर करेंगे एक बार। और जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया, लेकिन हमारा जो लिप्स हैं लिप्स के अकॉर्डिंग किया, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें और डेवलप करने की ज़रूरत लग रही है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं हम मुझे भी खुद से यहाँ पर लग रही हैं, क्योंकि आप क्रॉस चेक करना ज़रूरी होता है जब भी आप, अगर आप आउटलाइन कर भी लेते हैं तो एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करें, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैंने जितने भी आउटलाइन किए तो मुझे जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि यहाँ पे जो फेस का जो आउटलाइन है वो मुझे थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है विड्थ में, जॉ के लाइन तक, तो वहाँ पर हम इसको और वापस एक बार और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे लिप्स को जो है वो फाइनल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप जब मेज़रमेंट ले लेते हो और जब आप शेडिंग स्टार्ट करते हो, आउटलाइन करते हो, तो वहाँ पे चीज़ें जो है कभी कभी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रेफरेंस लाइन है इमीडिएट रिमूव कर देना चाहिए, इरेज कर देना, नहीं तो फिर हम किसी एक पॉइंट को ही लेके हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने वापस से कैलकुलेट किया तो लिप्स जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो जो कंपेयर टू जो एवरेज होते हैं और जो हम पहले भी लिए था उससे, तो अब सब कुछ डिपेंड करता है अब लिप्स पे, लिप्स के आउटलाइन से जो आपने देखा हमने कैलकुलेट किया रेफरेंस से, तो ये ज़्यादा दिख रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जॉ का है वो मुझे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके परफेक्ट किया है, तो ये हो गई। और इसको भी हम जब शेडिंग करेंगे तो लेफ़्ट साइड भी है, लेफ़्ट साइड को भी कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जितने भी आइज़ हैं, और ये मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी परफेक्टली, आपको आउटलाइन तो परफेक्ट है और शेडिंग जब होगी तो बिल्कुल ही ये 100%, 80 to 100% जो फेस है कंप्लीट आपका मैच हो जाएगा। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि आउटलाइन तो अभी परफेक्ट है, क्योंकि इसमें शेडिंग है, जो आप रेफरेंस इमेज में देख रहे हो वो सारी शेडिंग अगर हो गई, जितने आईलैशेस हैं, अगर आईलैशेस ना हो, क्योंकि पूरी की पूरी इमेज जो होती है वो कंप्लीट आपका डिपेंड करता है कि आई से, अगर आई एक बार कंप्लीट मैच हो गया आपका तो आप सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हम लोगों ने ऑलमोस्ट मैच कर लिया है, और जैसे जैसे शेडिंग करेंगे, जैसे लिप्स पे है तो लिप्स में भी बहुत सारी ऊपर नीचे और इसकी जो डेप्थ है वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे आप अभी मैंने आपको बताया था कि आउटलाइन एक कंप्लीट करेंगे, अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल लाइंस भी बनाए थे, और उस मल्टीपल लाइंस को आप इरेज कर सकते हो, इरेज करके एक फाइनल जो लाइन है वो दे सकते हैं, और उसका जो पेंसिल का जो ग्रेड रहेगा, जैसे 2B मैंने लिया है तो 2B आप लेके, क्योंकि वो भी लाइट है, आप 6B और 8B नहीं कर सकते क्योंकि वो शेडिंग के टाइम पे ही करते हैं, और यहाँ पे 2B जो है अगर उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें रह जाती हैं तो उसको भी हम इरेज कर सकते हैं हल्के से। और जितने भी आउटलाइन भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी बहुत सॉफ्ट हैंड से ही कर रहे हैं, बहुत डार्क नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हो कि इसमें थोड़े से मैं डेप्थ दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आउटलाइन कंप्लीट कर रहा हूँ, कि आउटलाइन कंप्लीट कर लेने से बेनिफिट यही होता है कि चीज़ें अब आपके जो परफेक्टली, आप एक तरफ से एक साइड से आप क्लियर हो चुके हैं, आपका आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आप इस पे फिर सारे जो शेडिंग है वो चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया कि ये शेडिंग किस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, तो ये कुछ कुछ जो आउटलाइन है और वो परफेक्टली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जैसे जैसे शेडिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका शेडो है, हेयर का भी शेडो है, यहाँ पे आप हेयर में देख रहे हो ऊपर की तरफ, तो वो जब चीज़ें होंगी तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। और यहाँ पे आप दोनों आइज़ के बीच में देख रहे हो, ये बहुत ही शार्प कट है फेस का, तो उसमें आप देखोगे कि आई के ऊपर और आईब्रोज़ के बीच में बहुत सारे डायनामिक्स हैं, वो सारे डायनामिक्स जो है हम उसको प्ले करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो कि लाइटिंग का भी बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे हम। और ये जितना भी है आपको बिल्कुल ही फास्ट हेयर
है, तो यहाँ पे अगर आपको स्लो चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे वेब क्लासेस में। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।